ब्रह्मा मुहूर्त यानी ब्रह्मा का मुहूर्त 24 घंटे के पूरे चक्र में सबसे शुभ मुहूर्त, वो मुहूर्त जिसमें किया गया कोई भी काम फल देता ही है। ये वो समय है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस समय जो भी काम किया जाता है वो निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है और वह इस समय में कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए कर बैठते हैं। तो आज की इस प्रस्तुति में हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं कि वह कौन कौन से कार्य है जो आपको इस समय यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। यह सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ पर आपको ऐसी ही जानकारियाँ दी जाती हैं। चलिए अब जानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त क्या होता है। शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त के समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन काल में लोग और ऋषि मुनि सदैव ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ईश्वर का वंदन किया करते थे। घरों में भी बड़े बुजुर्ग लोग सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नानादि कर ईश्वर का नाम जपने बैठने जाते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में उठने को कहते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इस समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय या अवधि। ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को विशिष्ट कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया है। जैसे इस वक्त में यदि पढ़ाई की जाए तो दिमाग बहुत तेजी से पढ़े गए पाठ को याद रखता है, वहीं यदि इस समय में अध्यात्म की ओर बढ़ा जाए तो इस मार्ग पर आपकी उन्नति पक्की होती है। इस समय की गई ध्यान साधना आपको ईश्वर की ओर ले जाती है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं का वास धरती की ओर बहुत तेजी से होता है। पवित्र ऊर्जाएं ऐसे साधकों को देखती हैं जो ब्रह्मा मुहूर्त साधना के योग्य होते हैं, जगत के हित के कार्य करने के लिए बने होते हैं। इस समय में शरीर के सातों चक्र सक्रिय होते हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक को ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है। इसमें जो सबसे अच्छा समय माना गया है वह 3:55 को माना गया है, लेकिन मित्रों कुछ लोग होते हैं जिनकी इस समय अचानक आंख खुल जाती है और वह संभोग करने की सोचते हैं। कुछ लोगों का ब्रह्मा मुहूर्त को लेकर यह बड़ा सवाल रहता है कि क्या हम उस समय संभोग कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आइए आपको बताते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त ईश्वर के पूजन वंदन का समय माना गया है। यह समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस समय भूल कर भी प्रणय संबंध नहीं बनाने चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भी इस समय संभोग करना वर्जित माना गया है। इससे आपके शरीर को रोग घेरने लगते हैं और आपकी आयु का नाश होता है। यदि आप इस समय संभोग करने की तो दूर की बात है, यदि उसके बारे में सोचते भी है तो उसका असर भी आपके जीवन में साफ देखने को मिल सकता है। वही शास्त्रों में बताया गया है कि इस समय आपको कभी भोजन भी नहीं करना चाहिए, उसका असर भी आपकी सेहत पर उल्टा पड़ सकता है। तो मित्रों, यह था ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में जो आज हमने आपको इस वीडियो में बताया है। आपको हमारी यह प्रस्तुति यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई प्रस्तुति के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।